हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा एक बेबी स्वेटर का डिज़ाइन। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दो कलर को मैंने इसमें यूज़ किया है, क्रीम कलर और गाजरी कलर है। और ये जो पूरा बना हुआ है जैकेट, ये 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए बना हुआ है। और अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें जो पैटर्न बने हैं उनमें आपको 3 पैटर्न बढ़ाने होंगे। उससे बड़ा साइज़ बनाना है तो आपको 6 पैटर्न बढ़ाने होंगे। तो पैटर्न बढ़ाने के लिए जो मैंने चेन डाली है, एक पैटर्न के लिए आपको 4 चेन बढ़ानी होगी। तो अगर आपको 3 पैटर्न बढ़ाना है तो टोटल आपको 12 चेन बढ़ानी होगी। उससे ज़्यादा बनाना है तो उनसे ज़्यादा 4 के मल्टीपल में करके आपको चेन बढ़ा लेनी होगी। तो पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ कि 3 से 6 महीने के लिए जो सेट बना हुआ है इसका टोटल मेज़रमेंट कितना है। तो यहाँ जो इसका चेस्ट साइज़ है, ये है लगभग, सिर्फ फ्रंट का अगर मैं देखूँ तो 9 से 9.5 इंच के आसपास है। मींस इसका अराउंड 18 या 18.5 निकलेगा। और इसकी जो लंबाई है वो 10.5 इंच है। योक मैंने इसे 4 इंच पर इसका योक निकाला है। इससे बड़ा अगर आपको बनाना है तो 4.5 इंच पर योक निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 साल के बेबी के लिए बनाना है तो आप 5 इंच योक निकाल दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे इसमें सिर्फ 70 ग्राम ऊन लगी है और मैंने इसे बनाया है 3.5 mm के क्रोशिया हुक से। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि इससे रिलेटेड मैं जो भी प्रोजेक्ट अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो यहाँ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने 3 ply की वूल का यूज़ किया है और मैं इसे बनाऊँगी 3.5 mm के क्रोशिया हुक से। इसे मैंने बनाने के लिए यहाँ पे 58 चेन ली हैं। आपको जो भी चेन लेनी है वो 4 के मल्टीपल में चेन लेके उसमें 2 ऐड कर लें। जितने साल के लिए मैं बना रही हूँ उसमें ऑलमोस्ट ये 10 इंच के लगभग लंबी चेन है। नेक के अकॉर्डिंग चेन लेके उसको नेक के अराउंड मेज़रमेंट ले लें। अगर आपको छोटी लग रही है तो उसमें 4 और प्लस कर लें, 58 चेन में आप 4 और प्लस कर लें तो साइज़ ठीक हो जाएगा। तो और इसमें देखिएगा आप, 2 चेन को स्किप करूँगी और 3rd नंबर वाली जो चेन है इसमें क्रोशिया को डाल के 1 half double crochet बना लेनी है। नेक्स्ट वन में भी 1/2 crochet, उसके बाद फिर से 1/2 crochet। तो जितनी भी इसमें 2 crochet बनी हुई हैं इन सब में इसी तरह से 1/2 crochet बना के रेडी करना है। सेम ऐसे ही 1/2 crochet बनाएंगे और एंड में आ जाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से सब में 1/2 crochet बना ली और अब यहाँ पे मेरे पास टोटल 57 1/2 crochet है। 2 चेन बनाएंगे और ये जो 2 चेन होगी वो 2 crochet की तरह काउंट नहीं होगी, इसे आप काउंट नहीं करिएगा। और अब यहाँ से टोटल 1, 2, 3 crochet बना के चौथी वाली में हमें 2 crochet बनानी है। तो सेम प्लेस पे ही पहले 1 crochet बना लेंगे। ये हमारी पहली 2 crochet, नेक्स्ट वन में दूसरी, फिर तीसरी और अब जो 4th वन है इसमें डाल के 2 crochet बनाएंगे, 1 और 2। फिर से 3 crochet बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4th वन में बना लेंगे 2 crochet। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए एंड तक आ जाएंगे। तो इस तरह से ये भी पूरी रो बन के रेडी है। और वर्क के एंड में देखिएगा मेरे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लास्ट में 4 crochet है। तो 4 crochet ही आपकी भी लास्ट में होगी। और यहाँ पे अब मेरे पास टोटल 69 crochet हैं। फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये 2 चेन एज अ 2 crochet काउंट नहीं होगी और 1st 2 crochet के ऊपर ही आपको पहली 2 crochet बना लेनी है।
अब यहाँ से पहली हो गई, नीचे हमने एक दो तीन के बाद चौथी में बढ़ाया था, अब चार के बाद पांचवी में बढ़ाएंगे, तो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड और ये हो गई फोर्थ। अब चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिफ्थ वन में एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे, एक, और सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, नीचे तीन के बाद दो की थी, अब चार के बाद दो की है, फिर से चार डबल क्रोशिया और पांचवे में दो डबल क्रोशिया। तीन, चार, चार डबल क्रोशिया ये हो गई, और जो फिफ्थ वन है इसमें हमें दो बना लेनी है। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हुए एंड तक आ जाना है, इसी तरह से बनाएंगे और एंड तक आएंगे। ये देखिए एंड में फिर से मेरे पास लास्ट में बढ़ाने के बाद एक दो तीन चार डबल क्रोशिया ही बनी हुई हैं। और अब इस राउंड में मेरे पास टोटल्स 82 डबल क्रोशिया हैं। फिर से दो चेन बनाएंगे, दो चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और सेम उसी स्पेस से एक डबल क्रोशिया, दो चेन जो होगी वो एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, पहली डबल क्रोशिया आपकी यही होगी जो आपने बनाई है। और अब यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया के बाद बढ़ाना है, तो पहली ये हो गई, दो तीन चार पाँच बना के जो सिक्स नंबर वाली में है उसमें आपको एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब सिक्स वन में एक और दो, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से पांच में सिंगल सिंगल एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सिक्स नंबर पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, पांच डबल क्रोशिया, फिर सिक्स वन में दो, फिर पांच डबल क्रोशिया, सिक्स वन में दो, सेम प्रोसेस को करके एंड पर आएंगे। अगेन एंड में देखिएगा, बढ़ाने के बाद एक दो तीन चार ही डबल क्रोशिया है, और इस राउंड में मेरे पास फोर्थ राउंड में टोटल 95 डबल क्रोशिया है। फिर से दो चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे, और अब यहाँ पे छः डबल क्रोशिया के बाद सेवन्थ नंबर डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है। पहली में डबल क्रोशिया हो गई, दो, तीन, चार, पांच और छः, छः डबल क्रोशिया हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये जो सेवेंथ नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है, एक और दो। ओके, फिर से छः डबल क्रोशिया बनाएंगे और छः डबल क्रोशिया के बाद सेवेंथ नंबर पे डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे, तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और इस पूरी रो को भी ओवर करेंगे। तो अब इस तरह से मेरा फिफ्थ राउंड भी रेडी है, और अब यहाँ पे मेरे पास टोटल 108 डबल क्रोशिया हैं। यहाँ से अब प्रॉपर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे और मैं धागे को चेंज करूँगी। इस वाले धागे को अगर आप चाहें तो बार बार कट करें या तो फिर लगा रहने दें, हर दो राउंड के बाद आपको धागे को चेंज करना है। हल्का सा टाइट कर लेंगे और यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लीजिए और देखिएगा एक और दो, दो डबल क्रोशिया स्किप करके जो थर्ड नंबर वाली है इसमें एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन एक और दो स्किप करेंगे, थर्ड नंबर में एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक और दो स्किप करेंगे, थर्ड वन में एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही पूरे में बनाना है, एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही पूरे में कंटिन्यू करना है और करते हुए एंड पर आ जाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया है, और ये वाले जो वी पैटर्न बने हुए हैं
ये मेरे पास टोटल इस समय 35 है मेरे वर्क में। आप जैसे बड़ा या छोटा बनाएंगे उसी हिसाब से आपके में पैटर्न भी बन के रेडी होंगे। और अब एंड में देखिएगा, दो डबल क्रोशिया वैसे स्किप करके जो लास्ट वन है उसमें हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 तीन चेन बनाएंगे। और ये जो वी हमने बना रखा है इसमें देखिए, जो फर्स्ट नंबर दो डबल क्रोशिया है इसमें एक इधर है और एक इधर है, जो पहली डबल क्रोशिया है उसमें इस तरह से क्रोशिया को ऊपर से डालेंगे और नीचे से इस डबल क्रोशिया को उठा लेंगे और इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, फिर ये जो दो चेन का स्पेस है दो डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 1 और 2, दो चेन बनाएंगे, अगेन दो डबल क्रोशिया इसी स्पेस से बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन है, बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद। सिंगल कलर में भी आप बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। और फिर से जो इधर वाली डबल क्रोशिया है इसे भी देखिए, नीचे से ऊपर से क्रोशिया को डाला और नीचे से इसे कवर करते हुए इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन जो नेक्स्ट वन है इसमें भी सेम ही प्रोसेस को करेंगे, पहले डबल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे, फिर जो दो चेन का स्पेस है उसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, दो चेन बनाएंगे और सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। अब इस डबल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन सेम जो थर्ड नंबर वाला है उसे भी नीचे से उठाएंगे, चेन में दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। और इस डबल क्रोशिया को भी नीचे से उठा के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है और पूरे राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है, दो राउंड बना लिए हैं। और अब जो मुझे बनाना है वो राउंड सेम इस कलर से बनाना है जो गाजरी कलर मैंने यूज किया है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे देखिएगा, तीन चेन बनाई थी, इसमें अभी कुछ नहीं बनाया है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनानी है हमें। तो अब इसमें डबल क्रोशिया बनाने के लिए देखिए, जब आप इसमें डबल क्रोशिया बनाए तो ये जो आपका धागा नीचे की तरफ छूटा हुआ है इसे पीछे से इस तरह से कवर कर लें इसमें, और जो थर्ड नंबर वाली चेन है इसमें क्रोशिया को डाल के डबल क्रोशिया बना लेंगे, बस इस धागे को इसमें फंसा लेंगे। ओके, तो ये देखिए ये धागा यहाँ पे आ गया। बट जब आप इसे लूप को ओवर करेंगे, लास्ट वाला लूप जब ओवर करेंगे तो इस वाले धागे को छोड़ दीजिए और जो आपको सेकंड धागा यूज करना है उससे लूप को ओवर कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा धागा भी ऊपर आ जाएगा। हल्का सा इसे खींच लीजिए ताकि ये टाइट ना हो, थोड़ा सा लूज ही रहे, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जब इसमें इसका बॉर्डर बनाएंगे तो ये सब अंदर की तरफ इसमें कवर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, वर्क को टर्न करेंगे, जो दो चेन का स्पेस है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और सेम वैसे ही वी बना के रेडी करेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। तो दो दो राउंड का पैटर्न है इसीलिए हर दो राउंड के बाद मैंने धागे को इसमें चेंज किया है। अगर आप एक धागे से ही बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक धागे से भी बना सकते हैं, एक धागे का एक कलर से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो दो चेन के पैटर्न में बनाया, फिर से यहाँ पे देखिए एक पैटर्न में बना लिए, दूसरा पैटर्न है, दूसरे पैटर्न में क्रोशिया को डालेंगे और सेम वी बना के रेडी करेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इस राउंड को सेम ऐसे ही ओवर करना है, पूरा वी बना के रेडी करना है। और इसके बाद एक राउंड जो आपने यहाँ पे बनाया है, जैसे ये वाला राउंड दो राउंड का पैटर्न है तो इन्हीं दोनों राउंड को फिर से रिपीट करना है। पहला वी वाला राउंड है और दूसरा डबल क्रोशिया वाला राउंड है, तो इसे बना लीजिए। इसके बाद सेम इस राउंड को भी बना लीजिए, फिर इसमें आर्म होल को अलग करेंगे कि इसमें आर्म होल कैसे अलग करना है। तो मैं दो राउंड बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए दो डिज़ाइन बना ली है और अब हमें इसमें आर्म होल
अलग करना है। तो देखिएगा, आर्म होल अलग करने के लिए स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। आगे की तरफ मैं ये पांच पैटर्न रखूँगी और पांच पैटर्न के बाद यहाँ पे एक मार्कर को लगा देंगे, 1 2 3 4 5। पांच के बाद यहाँ बीच में एक मार्कर लगा दिया, ठीक है। और अब आर्म होल में रखना है हमें 7 पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया 7, तो इसके बाद यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे, ओके 1 2 3 4 5 6 7। सेम ही पैटर्न को इधर से भी करेंगे, 1 2 3 4 5। आगे की तरफ पांच रहेंगे तो इसमें पांच लगा देंगे, और आर्म होल में 7 है तो इसमें 7 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, और अब पीछे अब टोटल बचेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पैटर्न टोटल पीछे के लिए बच जाएंगे, 7 आर्म होल के लिए और 5 5 आगे के लिए बनाए हैं। और अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो आप आगे के पैटर्न में 6 6 रखें, आर्म होल में सेम ही रखें और पीछे के पैटर्न में आप 12 पैटर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए टोटल आपको इसमें 6 6 करने के लिए 2 पैटर्न आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तो 2 पैटर्न आगे की तरफ और 1 मिनट मीन्स 3 पैटर्न आपको टोटल बढ़ाने हैं। अगर उससे भी बड़ा बनाना है तो आपको आर्म होल में भी पैटर्न बढ़ाने होंगे। तो अगर 3 पैटर्न बढ़ाना है आपको तो 4 4 के मल्टीपल में आपको 3 बार चेन और बनानी होगी, और अगर आपको उससे भी ज़्यादा बनाना है तो 4 4 के मल्टीपल में उससे भी ज़्यादा चेन बढ़ानी होगी। तो फिर अब यहाँ से सेम ही पैटर्न को स्टार्ट करेंगे, इस वाले धागे को अब यहीं से ओवर कर देना है। तो इसका जो लास्ट लूप है ये मैं ओवर करूँगी वाइट कलर से, ओके क्रीम कलर से ओवर किया है, और हल्का सा इसे ढीला ही रखना है ताकि जो आगे वाला हिस्सा है वो हमारा टाइट ना हो। एक चेन बना लेंगे और जो गाजरी वाला है उसे टाइट कर लिया, 1 2 3। 3 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। स्टार्टिंग के जो 5 पैटर्न हैं पैटर्न सेम वैसे ही बनाने हैं। पहले यहाँ पे वी बना लेना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग के सामने की तरफ में 5 पैटर्न है तो पांचों में हमें ऐसे ही बना लेना है, हर 2 चेन की स्पेस में आपको 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिएगा टोटल इसमें 1 2 3 4 5 पैटर्न मैंने बना लिए हैं। अब इसमें आर्म होल अलग करना है, बट उससे पहले जो 5th नंबर वाला पैटर्न है जिसमें आपने एक वी बना लिया है, सेम इसी जगह से एक और वी बनाना है। तो उसके लिए 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया, ओके। तो इस जगह पे हमने टोटल 2 वी बनाए हैं, और अब ये जो हमारा आर्म होल वाला हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक की इसे अलग करेंगे, और इसके बाद जो बैक वाला जहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे हमें वी बना लेना है सेम ही पैटर्न पे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने 2 वी बनाए हैं लास्ट वाले में, तो इसमें भी 2 वी ही बनाएंगे, इसी सेम स्पेस से फिर से डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे।
ये देखिए, यहाँ पे जब पांच पैटर्न हमने बना लिया तो फिफ्थ पैटर्न में भी हमने दो वी बनाए हैं, और जब आर्म होल को अलग करने के बाद जब बैक वाले पे आए हैं तो फर्स्ट पैटर्न पे भी हमने दो वी बनाए हैं। और अब बाकी के पीछे के जो पैटर्न बचे हुए हैं, पीछे के साइड टोटल 11 पैटर्न हैं, तो उन सब में एक एक वी बना के रेडी करेंगे। एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। अगेन नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। इस तरह करते हुए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला पैटर्न है, मार्कर से पहले यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से पीछे के भी टोटल 11 पैटर्न में बना लिया है। और अब लास्ट में हूँ, यहाँ पे भी हमें दो बना लेना है। एक हमने बना लिया है वी, दूसरा भी इसी से डालेंगे। और एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया सेम स्पेस पे बना लेंगे। फिर से ये आर्म होल वाला पैटर्न है, तो आर्म होल को हमें यहाँ पे अलग कर देना है। और अब इस जगह पे आर्म होल को अलग करके जो फ्रंट के पांच पैटर्न हैं उसमें फिफ्थ नंबर वाले पैटर्न पे दो बार वी बना लेना है। एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर से सेम स्पेस पे ही डालेंगे। और एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। और अब बाकी के जो पैटर्न हैं उनमें सेम ट्रायंगल बना के रेडी करेंगे। एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया। इन सब में एक एक पैटर्न बना के लास्ट में आ जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अब हमारा ये आर्म होल अलग हो चुका है। ये इसका आर्म होल हो गया है। ये आगे का कितना फ्रंट बड़ा का मैं बना बना रही रही हूँ। हूँ? 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए बिल्कुल प्रॉपर है। बड़ा और छोटा बनाने के लिए आपको चेन की चेन को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये वाला जो हिस्सा रेडी हुआ है आर्म होल को हटा के, ये देखिए, ये पूरी रो बन के रेडी हुई है। इसी पूरी रो में हमें वर्क करना है, और हर दो रो के बाद ऐसे ही वर्क को चेंज कर लेना है, मीन्स कलर को चेंज कर लेना है। तो सेम ऐसे ही इसे रिपीट करते जाएंगे। एक दो तीन, तीन चेन बनाऊंगी। फर्स्ट वाले में सेम वैसे ही, पहले ये नीचे से उठाया मैंने, एक डबल क्रोशिया इसमें बना ली जो दो चेन का स्पेस है। इसमें हमें बना लेनी है दो डबल क्रोशिया। दो चेन और दो डबल क्रोशिया। और फिर से इसे नीचे से उठाना है। सेम ऐसे ही बनाते हुए इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे दो बना हुआ है। तो ये देखिए, टोटल पांचों पैटर्न में मैंने बना लिया है। और अब यहाँ पे दो बार बनाया था मैंने वी को, तो जो दूसरा वाला वी है उसमें भी हमें सेम पैटर्न को ही बनाना है। तो ये फर्स्ट पैटर्न वाला है, इसे पहले नीचे से उठा लेंगे और इसे कंप्लीट किया। ये जो सेकंड पैटर्न है, इसमें भी जो डबल क्रोशिया है उसमें नीचे से उठाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जो दो चेन का स्पेस है। इसमें भी दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया बना लेनी है। और इधर वाले पे भी सेम पैटर्न को बनाना है, जो इस साइड वाली डबल क्रोशिया है। तो ये बन के रेडी हुआ। और अब जो दूसरे साइड वाला है, बैक साइड से जो बनाया है, इसमें भी सेम पैटर्न को करेंगे। एक पैटर्न बना लिया और अब दूसरा भी बना लेंगे।
ये देखिए सेम इसी पैटर्न को सिर्फ आपको फ्रेंड्स अब रिपीट करते जाना है। ये इस तरीके का बन के अब रेडी होगा। बस आपको सिर्फ कलर चेंज करना है, कलर कैसे चेंज करना है वो भी मैंने बता दिया है। और अब इसे पूरा हमें ऐसे ही बनाते जाना है। जब हम इधर आ जाएंगे तो फिर इस कलर से पहले वी वाला पैटर्न बनाएंगे, वी बनाएंगे और उसके बाद फिर डबल क्रोशिया से उसे फिल करेंगे। तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए आप कहीं भी कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, सेम इसे ऐसे ही बनाना है। और बनाते हुए इसमें आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसमें बना लें। मैं कुछ इसमें रोज़ बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको इसे दिखाती हूँ कि मैंने कितनी रोज़ बनाई है। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसे जितनी भी जितना लंबा बनाना है आपको बेबी के अकॉर्डिंग, उतना लंबा आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही दो दो राउंड के पैटर्न हैं, दो राउंड में आपका एक पैटर्न रेडी होगा। सो हर दो राउंड के बाद आपको कलर को चेंज कर लेना है। अगर आप एक कलर से बनाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, एक कलर से भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे पूरा बना लेती हूँ फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए मैंने दो दो रोज़ के पैटर्न बनाए हैं इसमें डिज़ाइन, हर बार कलर को चेंज करके। और टोटल इसमें जहाँ से आर्म होल घटाया है वहाँ से 1 2 3 4 5 6 मैंने इसमें पैटर्न 6 डिज़ाइंस बनाई हैं और टोटल ये 12 रोज़ हैं। तो अब यहाँ पे इसके आगे बनाने के लिए अब ये फाइनल राउंड है और फाइनल राउंड आपको दोनों में से जिस कलर से बनाना है, बॉर्डर वगैरह आपको जिस कलर से भी देना है उस कलर को यूज़ करेंगे यहाँ पे। और जहाँ पे सेम देखिए वर्क को ऐड किया है उसी जगह पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ओके 1 एंड 2 दो चेन बनाएंगे और ये जो बीच में दो चेन का स्पेस है पैटर्न पे, इस पर क्रोशिया को डालना है और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेनी है। 1 2 3 तीन चेन बनाएंगे और सेम इसी स्पेस से जहाँ से बनाया है इसी स्पेस पे डालना है और एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना लेनी है। ओके इस तरह का पैटर्न बना इसमें दो चेन। और अब दो पैटर्न के बीच में ये देखिएगा यहाँ पे स्पेस है ना, ये दो पैटर्न के बीच में एक पैटर्न ये है एक ये है, तो बीच में जो स्पेस है यहीं पे क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। अगेन दो चेन, बीच में जो दो चेन का स्पेस है इसमें क्रोशिया को डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और 3 तीन चेन सेम इसी जगह से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। 1 2 2 चेन और बीच वाले स्पेस पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया, दो चेन का जो स्पेस है यहाँ पे डालेंगे। 1 2 3 तीन चेन फिर से इसी जगह इसी स्पेस पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, दो चेन बनाएंगे और दो पैटर्न के बीच के स्पेस में सिंगल क्रोशिया। सेम पैटर्न को ही रिपीट करना है और यहाँ से स्टार्ट किया है, नीचे का पार्ट है ये देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट किया है और एंड तक इसे ऐसे ही बनाना है। और जब एंड में आ जाएंगे तो दो चेन बना के ये देखिएगा यहाँ पे तीन चेन वाला स्पेस है तो इसी जगह पे थर्ड नंबर चेन पे सिंगल क्रोशिया से वर्क को ऐड कर देंगे। एक चेन, वर्क को टर्न करेंगे और जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई है इसी स्पेस पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 अगेन दो चेन, ये जो स्पेस रेडी हुआ है इसी में फिर से क्रोशिया को डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 तीन चेन सेम स्पेस पे डालेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 चेन और यहाँ जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी देखिए दो पैटर्न के बीच में इसी सिंगल क्रोशिया में बीच में डालेंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम ही पैटर्न को बनाना है, फिर से दो चेन बनाएंगे, ये जो बीच में तीन चेन का स्पेस बनाया था इसमें क्रोशिया को डालना है। 1 2 3 तीन चेन बना के इसी जगह पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2 और फिर जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई है दो पैटर्न के बीच में उसमें ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशिया से ही। तो ये देखिए इस तरीके की बॉर्डर के डिज़ाइन बन के रेडी होगी। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए फिर से एंड पे आ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये देखिए इस तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करके सेम बॉर्डर वैसा ही एक बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा बॉर्डर बना के रेडी कर लिया। और अब हमें इधर इस साइड पे बनाना है, ये पूरी एजेस हमें कवर करनी है
ताकि जिसमें इस आप बटन लगा सकें या आप डोरी वगैरह जो भी लगाना चाहें लगा सकें। तो एक चेन बनाएंगे और सेम इसी जगह से, यहाँ से देखिएगा जहाँ से स्टार्ट किया है, इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये स्पेस बनी हुई है, ये सब आपको मिल जाएगा। ये है, ये है, जहाँ जहाँ आपने तीन चेन का स्पेस बनाया है, तो सब में आपको दो दो सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक दो, ये दूसरा है, तो इसमें देखिएगा एक और दो, अगेन ये थर्ड नंबर, एक दो, एक दो। तो हर रोज़ में तीन चेन बनी हुई है, लास्ट में तीन चेन होगी या एक सिंगल डबल क्रोशिया होगी। सब में आपको ऐसे ही बनाते जाना है और पूरे में सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करना है और यहाँ एंड पे आ जाना है। तो ये देखिए पूरे में सेम वैसे ही सिंगल क्रोशिया बना ली है और अब एक और वो आपको सेम इसी के ऊपर बना के रेडी करना है। एंड पे आ गई हूँ और एंड पे यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे और वर्क को यहीं से टर्न कर लीजिए। और इसके बाद सब में जितने भी सिंगल क्रोशिया आपने बनाई है उन सब के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना के रेडी कर लेंगे। ओके, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और एक रो और बना के इसमें रेडी करेंगे। तो ये देखिए सेम वैसे ही फिर से एक और रो बना के मैंने रेडी कर ली और अब मैं अगेन नीचे हूँ और फिर से आपको इसमें एक और रो बना के रेडी करनी है। ये हमारा फ्रंट साइड, सेम वैसे ही इसमें भी बनाना है एक चेन बना के, जो सिंगल क्रोशिया है उन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनी हुई है उन सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और देखिएगा इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। ये जो ऊपर का बॉर्डर बना हुआ है इसे छोड़ देंगे, यहाँ तक की सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक बना के मैंने रेडी कर लिया है जहाँ तक बताया था और अब इसमें एक हमें बटन होल बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक और दो, दो चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करके नेक्स्ट वन वाली में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये एक बटन होल बन के रेडी हुआ, फिर उसके बाद दूसरी में भी सिंगल क्रोशिया, ओके। तो यहाँ तक फिर से मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली और अब मेरे पास एक दो तीन ही बची हुई हैं। तो फिर से दो चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और जो सबसे लास्ट वन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये दो बटन होल बन के रेडी हुए हैं। अगर आपकी बटन्स ज़्यादा बड़ी हैं तो आप तीन चेन बना के दो सिंगल क्रोशिया स्किप करें और तीसरी वाली में इसे ऐड कर दें। और अब ये जो ऊपर का नेक एज है ये हमें कवर अप करना है, तो उसके लिए सेम वैसे ही एक चेन बना लेंगे और ये जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया वाला पार्ट है इसमें क्रोशिया को डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर से पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। और अब जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है इन सबको ऊपर सब पे आपको ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लेना है। ठीक है, देखिए सब जितनी भी डबल क्रोशिया है उनके ऊपर जो चेन आपको दिख रही है उसमें क्रोशिया को डालिए और एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर आ जाएंगे एंड पे, इस जगह पर आएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से पूरा गला भी बन के रेडी है और अब बना लेना है हमें इधर वाली एजेस। इधर हमने तीन राउंड बनाए हैं सिंगल क्रोशिया के, तो इस साइड भी हमें तीन राउंड ही बनाने हैं। सेम वैसे ही बनाना है, जितनी भी डबल क्रोशिया वाली आपको पैटर्न दिख रहा है उन सब में आपको दो दो सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से आपको उन्हीं सिंगल क्रोशिया के ऊपर रिपीट करना है, अगेन थर्ड राउंड में भी उन्हीं के ऊपर रिपीट करना है। दूसरे साइड पे हमने जब बनाया था तो उसमें बटन होल बनाया था, बट इस साइड कोई बटन होल नहीं बनेगा।
तो सेम ही पैटर्न को सिंगल क्रोशा पूरी बनानी है और सिंगल क्रोशा के ऊपर तीन राउंड वैसे ही रिपीट करना है जैसे आपने इधर तीन राउंड बनाए हैं। सेम वैसे ही आपको इधर भी सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए तीन राउंड सिंगल क्रोशा के बना के रेडी करने हैं। मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन के रेडी है। यहाँ मैंने इसमें दो बटन लगा दी है और अब ये पूरा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। अगर आप इसकी स्लीव देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं इसकी स्लीव का वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।